और जय हिंद आप देख ए बी सी हिंदुस्तान और मैं हूँ तो हमारी टीम अभी खोराबार में आई हुई है जहाँ पे मेडिसिटी का निर्माण चल रहा है और यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं उनकी राय को जानने का हम प्रयास करेंगे कि क्या प्रशासन के द्वारा जो आश्वासन उन्हें दिया गया था वो आश्वासन पूरा किए हैं कि नहीं उसको जानने के लिए आज हमारी टीम खोराबार में आ चुकी है पहले मैं चाहूँगा कि कैमरा मैन सहयोगी जो है जो यहाँ पे काम चल रहा है प्रशासन के द्वारा वो दिखाएं आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मिट्टी यहाँ पे पूरा गिरा यहाँ पे काम चल रहा है पीछे देख पा रहे हैं कि जेसीबी भी लगा हुआ है काम और कर रही है और इधर चाहेंगे कि दिखाएं इधर भी देखिए जो ये मिट्टी का धुआं दिख रहा है ये पूरी तरह से यहाँ पे काम चल रहा है जी का और आप देख पा रहे हैं कि और लोग इनकी काम से खुश नहीं हैं क्यों खुश नहीं है वो जानने का हम प्रयास करते हैं क्या सर्किल रेट जो डिसाइड की गई है प्रशासन के द्वारा क्या वो इससे खुश हैं कि नहीं खुश हैं उस चीज से उस चीज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तमाम ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए हैं और लगातार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं सर क्या नाम होगा आपका ध्रुवचंद पासवान क्या समस्या है जिसकी वजह से आप लोगों को हमेशा धरना देना पड़ रहा है हमारी मांगें जो है पूरी नहीं किया जा रहा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहे थे कि जी को हम लेने नहीं देंगे बुलडोजर को हम चलने नहीं देंगे मैं जन शासन होकर उनको विजय कराई और आज जब हमने पास जो जाते हैं जी उपाध्यक्ष के पास जाते हैं डीएम के पास जाते हैं सारे अधिकारियों के पास जाते हैं तो वहाँ लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे और जो भी करना होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे तो मैं मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह निवेदन करता हूँ कि हम लोगों के जो सर्किट रेट चल रहा है वो सर्किट रेट देने की कृपा करें यही हम लोगों की मांगे पूरी करें कहने का तात्पर्य इनका यही है कि जो सर्किल रेट निर्धारित की गई है कहीं ना कहीं वो सर्किल रेट कम है आज की अपेक्षा अगर देखी जाए क्या कहना चाहेंगे सर क्या नाम होगा आपका पृथ्वीराज पासवान क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से आप लोगों को हमेशा धरना देना पड़ता है सर जी जो यहाँ के जो मिट्टी दिखाई दे रहे जो सड़क बनवा रहे हैं जो पावर हाउस बनवा रहे हैं वो जनता अभी तक मुआवजा नहीं लिया है और जबरन जबरन यहाँ पर काम किया जा रहा है मजदूरी छोड़ करके जनता यहाँ पर उपस्थित है महिलाओं और प्लस पुरुष ये आपके बीच में दिखाई दे रहे हैं जो हर हमेशा ये जी डी मचा रहा है इसलिए अपना काम काज छोड़ करके यहाँ उपस्थित हैं हम लोग हमारी मांगें नहीं पूरी हो रही है कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे क्या नाम होगा चाची आपका हमारा नाम है सारसवती हम के यही प्रशासन के जो द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है उससे खुश नहीं है आप नहीं हम खुश नहीं बैठी हम मगर मन के रोआई का कुछ नहीं ही होता हम लड़के बचे जमीन छोड़ के कहाँ जाएंगे हम बन के एक भीतर रहे ना दे सरकार या के उचित मुआवजा नहीं देते आज के डेढ़ मुआवजा दे हम के घर रहे के ठिकाना दे जहाँ जमीन बात है जमीन रहे दे हमारे तो आप देख पा रहे हैं कि इस माँ के आंखों में आंसू आपको साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये दुखी है प्रशासन से पीड़ित है करके जरूर बताइएगा और भी जो महिलाएं हैं उनसे हम बातचीत करेंगे क्या नाम होगा चाची आपका वर्मा क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमेशा आप लोगों को धरना देना पड़ता है मकान बच जाए और किसान भय की मजबूरी बड़े आज क्रेडिट दिया जाए हाँ जमीन हम लोग के मकान बजा आज किसान बन की मजदूरी आज क्रेडिट दिया जाए हम लोग उसी में खुश हैं हम लोग के नहीं चाहिए सरकार सरकार कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग के ज़मीन चाहिए और खेत के मुआवजा चाहिए बस क्या कहना चाहेंगी चाची देखिए जो हम लोगों का एक बीता जमीन है आज इस साल का तो जो मजदूरी था जो बोते थे खाते थे वो तो चला ही गया लेकिन आगे कैसे सरकार को सोचना चाहिए ना कि जब खेत ले लिए तो उनके पास तो कोई नौकरी या चाकरी चाहे कोई तो कुछ है नहीं वही खेत के भरोसे हम लोग जी रहे थे खा रहे थे वो खेत ले लिए एक पैसा का कोई मुआवजा चाहे कुछ भी नहीं मिला उनको ये तो सोचना चाहिए ना कि वो बच्चे कहाँ जाएंगे कहाँ से करेंगे कहाँ से खाएंगे कहाँ रहेंगे खेत छोड़ दें और आज का रेट का जो मुआवजा मिल रहा है उसको दे दें बस तो देख पा रहे हैं दादी भी यहाँ पे आई हुई हैं दादी को दो वक्त की रोटी खा के आराम करने का समय जो होता है वो आकर के यहाँ पे धरना दे रही है दादी का दिक्कत आ गई है, नहीं नहीं है। नहीं। बेटा हम का खेत बाड़ी ले लिया हल हम के नौकरी चाकरी ना आई बाबरदस्ती कर जबरदस्ती हाँ जबरदस्ती जनता खेत के न उठा लेन के कोनो मजदूरी ना आई बा हम तो पूर्णिया भे अब मर जावे हमार बाल बच्चे कहाँ जाए कहाँ जाए सरकार का यह नियम बा कि घर भर के बोल्टे जल्टे लग मुआ दें हाँ सब जनता के मुआदा दें सब जमीन ले लें यह कहना हम बाबा टा दादी बाबा हा? से कहाँ गुहार लगाओ जी बाबा तो ये जिला के मुख्यमंत्री भी बाण है पूरा प्रदेश के मुख्यमंत्री बाण है क्या बाबू बाबा काली माइक थाने माइक में बोला लाना कि जीडी वाला से हम खेत बजा देंगे सुना

तो आप देख पा रहे हैं कि सर्किल रेट जो निर्धारित की गई है उससे ये लोग नाखुश हैं प्रशासन से हमारी अपील है कि इनकी बातों को वो समझें और क्या इनकी मांगें हैं उनकी मांगों को भी पूरा करें आप देख रहे थे एबीसी हिंदुस्तान हमारे कैमरामैन सहयोगी शिवम पाटर के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद